हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की प्रैक्टिस शीट लेके आई हूँ और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रेडी करे हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो बिफोर एग्जाम उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और वो अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और एग्जाम में मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों को कराने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट मिसिंग नंबर्स। तो ये मैंने काउंटिंग लिखी है 1 to 30 और उसमें बीच बीच में से काउंटिंग मिसिंग है, नंबर्स मिसिंग है, वो उसको आइडेंटिफाई करने हैं और लिखने हैं, लाइक 1, 2। तो नेक्स्ट नंबर इज 3, तो वो यहाँ पे उसको इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे और तो वो बहुत अच्छे से काउंटिंग सीख जाएगा। इसी तरह से आप उसे 100 तक काउंटिंग करवा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउंट द गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर। ये डिफरेंट टाइप की पिक्चर ड्रॉ करी है मैंने, आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की पिक्चर बना सकते हैं और बच्चे को फिर उसे काउंट करना है और यहाँ पे नंबर लिखना है 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप उसको पिक्चर्स ड्रॉ करके दे देंगे और वो उनको काउंट करेगा और यहाँ पे लिखेगा। एंड थर्ड वन इज राइट द नंबर्स नेम। तो ये हमारे नंबर्स नेम है जो मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। 1 to 10 नंबर्स नेम बच्चों को आते हैं तो वो आप काउंटिंग में तो बच्चे रट लेते हैं, लेकिन आप उसे इस तरह से लेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा है 9, तो वो यहाँ पे नंबर्स नेम में 9 की स्पेलिंग लिखेगा, NINE 9। एंड नेक्स्ट इज 3, तो इसी तरह से आपको लिखना है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा नंबर्स को और वहां पे नंबर्स नेम लिखेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर कम्स आफ्टर। ये कुछ नंबर्स हैं उसको आफ्टर का नंबर इसमें बताना है, तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और वो नंबर्स लिखेगा, लाइक 9, 10, 14, 15 इसी तरह से वो काउंटिंग देखेगा, पढ़ेगा और नेक्स्ट नंबर लिखेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर। यहाँ पे हमने आफ्टर करवाया था, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिफोर। तो बिफोर में भी ये 7, अब आप उसे 7 से पहले क्या आता है ये नंबर यहाँ पे लिखना है, 6, 18, 17 इसी तरह से वो ये वाली एक्सरसाइज से करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल। इसमें उसको ग्रेटर स्मॉलर इक्वल के साइन जो बच्चों को पता होने चाहिए यूकेजी क्लास में, तो वो इसमें से नंबर्स लिखे हैं और नंबर्स को पहचानेगा कि कौन सा नंबर बिग है कौन सा स्मॉल है और उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे साइन पुट करेगा, लाइक 16 और 14। इसमें से वो 16 बिगर है तो यहाँ पे वो इस तरह से साइन लगाएगा, 33, 37 तो इस तरह से वो इस तरह से आप उसे एक्सरसाइज ये क्वेश्चन करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो उसके लिए एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।